ये प्रतिकूल समय बहुत कुछ सिखा गया, घुटनों के बल थे, चलना सिखा गया। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल जी, बायोलॉजी मेंटर, एंड यू आर वॉचिंग हीरो क्लासेस। आज बुधवार है, वेंसडे है, और आज का दिन शेड्यूल्ड हुआ है प्लस टू एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए, जिसमें अपने कर रहे थे इंसेक्ट कीट, और कीट में अपने तीन कीट कंप्लीट कर लिए। पहला था कातरा, दूसरा था व्हाइट ग्रब या सफेद लट, और तीसरा था टिड्डी या लोकस्ट। आज का अपना इंसेक्ट है जिसको अपने कंप्लीट करेंगे, वो है चने का फली छेदक कीट, पॉड बोरर ऑफ ग्राम, हेलिकोवर्पा आर्बिजेरा। चना रबी क्रॉप है, और रबी क्रॉप जो चना है वो अपने लगाते हैं विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में आपने देखा होगा जब चना उगाया जाता है तो उनके जो फलियां लगती हैं, पॉड लगती हैं, उनके अंदर लटें पड़ जाती हैं। उन लटों को ही अपने कहते हैं हेलिकोवर्पा आर्बिजेरा। उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण, उसके सिग्निफिकेशंस पढ़ेंगे, पहचान योग्य लक्षण पढ़ेंगे किस तरह से पहचाना जा सकता है, और जीवन चक्र पढ़ेंगे, और लास्ट में अपने कंट्रोल की बात करेंगे, नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने लेते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का। वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम है वो है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर बात करते हैं अपने गण की या ऑर्डर की, वो है लेपिडोप्टेरा, जिसमें कातरा को भी रखा गया, लेपिडोप्टेरा। और उसके बाद तीसरा जो अपना पॉइंट रहेगा क्लासिफिकेशन में, वो होता है फैमिली। फैमिली या कुल कौन सा है? नॉक्ट्यूडी। नॉक्ट्यूडी इसका कुल है। तो ये इसका वर्गीकरण हो गया। नाम रहेगा इसका हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, इसका गण रहेगा, ऑर्डर रहेगा लेपिडोप्टेरा, और तीसरा इसका कुल या फैमिली कौन सी है? नॉक्ट्यूडी। का में इसको कॉटन बॉलवर्म के नाम से भी जाना जाता है, वहां कॉटन उगाते हैं, तो वहां उस सीजन में ये लटें देखने को मिलती हैं, ये कीट वहां पर अटैक करता है। चने का फली छेदक कीट है वो अमेरिका में कॉटन बॉलवर्म के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी फसलों को डैमेज कॉज करता है, कौन कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। चना तो है ही, और कॉटन की भी उन्होंने बात कर ली, कपास की, तो इन दो फसलों को तो नुकसान पहुंचाएगा ही। तीसरा इसमें सूर्यमुखी भी आ सकता है, इसके अंदर अरहर भी आ सकता है, इसमें टबैको तंबाकू आ सकता है, इसमें टमाटर भी आ सकता है। तो इन कुछ मुख्य फसलों को ये नुकसान जरूर पहुंचाता है। तो ये कुछ फसलें हैं जिनको चने का जो फली छेदक कीट है चने के अलावा भी दूसरी फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसके पहचानने योग्य लक्षणों पर, सिग्निफिकेशंस क्या है, कैसे पहचान होगी। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे इसके मौत की या शलभ की। मौत मतलब जो बटरफ्लाई की तरह दिखता है, रात्रि को उड़ता है, या नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल या रात्रिचर होते हैं, रात्रि को ही निकलते हैं ये शलभ। और अगर इनके रंग की बात करें तो जैतूनी धूसर, ऑलिव डस्टी कलर के हो सकते हैं, या फिर लाल भूरे रेडिश ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं। ये वरी करता है कि कौन से जियोग्राफिकल एरिया में, कौन से भौगोलिक क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, वहां थोड़ा रंग में विभेद देखने को मिल सकता है। तो या तो ये जैतूनी धूसर रंग के होंगे, ऑलिव डस्टी कलर के, या फिर लाल भूरे रेडिश ब्राउन कलर के दिखाई देते। अब बात करते हैं लार्वा की। अगर पूरी तरह से विकसित लार्वा या वो लट दिखाई देती है जो अपने चने को नुकसान पहुंचाती है, उस फली के अंदर घुसी रहती है और चने को खा जाती है, उसके बीज को खा जाती है, तो वो लट आपने देखी होगी वो 35 मिलीमीटर तक देखी गई है, उसकी जो लंबाई है वो 35 मिलीमीटर तक हो सकती है। रंग की बात करें तो रंग इसका हो सकता है पीला, देखा भी होगा, येलोइश ग्रीन कलर का ये दिखाई देता है, और इसके पार्श्व में लंबवत पट्टियां बनी होती हैं। पार्श्व में मतलब लेटरल में, साइड में, अगल बगल में डार्क कलर की स्ट्रिप्स या पट्टियां भी दिखाई देती हैं। तो ये सिग्निफिकेशंस हो गए चने के परिच्छेदक कीट की। अपने लाइफ साइकिल की, जीवन चक्र की, तो अपने को पता है चार अवस्थाएं आती हैं। एक सबसे पहले व्यस्क होता है जिसको मौत या फिर अपने शलभ बोल देते हैं, उसके बाद अंडा आता है, उसके बाद कौन सा, लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा। ये तो ये क्या है,
एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में आता है। जैसे टिड्डी में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं मिलता है, वहां लोकस्ट के अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या अपूर्ण कायांतरण देखने को मिलता है, क्योंकि वह लार्वा या अपने को प्यूपा अवस्था नहीं दिखाई देती। वहां क्या बनते हैं? निम्फ बनते हैं, वहां अर्भक बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूर्ण कायांतरण देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसमें शलभ आएगा, जिसको अपने व्यस्क बोलते हैं, अडल्ट मौत। उसके बाद अंडे आएंगे, उसके बाद में लार्वा, जो डैमेजिंग फेज है, जो डैमेज कोज करती है वो है लार्वा, लट। और उसके बाद में कौन सी प्रावस्था आएगी? प्यूपा अवस्था या कोष अवस्था। का प्रकोप कब दिखाई देता है? अपने को पता चला है, अपने सर्दियों में विंटर सीजन में लगाते हैं, तो अर्ली नवंबर के अंदर, जब नवंबर स्टार्ट होता है, उस समय ये दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे पहले जब फूल आते हैं चने के ऊपर या फिर पत्तियों के ऊपर, ये अंडे देते हैं। तो अंडे कहाँ देते हैं? पत्तियों के ऊपर या फूलों के ऊपर अंडे देते हैं। नवंबर में इनका प्रकोप दिखाई देता है, या नवंबर में ये जो कीट है दिखना प्रारंभ हो जाता है, जब अपने बुआई कर देते हैं चने की। उसके बाद अंडों में से क्या निकलेंगे? लार्वा। वो रहता है 3 से 4 दिनों का गैप। तो उष्मायन काल, दूसरी बात किसकी आएगी? उष्मायन काल या प्रस्फोटन काल या इंक्यूबेशन पीरियड, जब अंडों में से लार्वा बाहर निकलेंगे, वो रहता है 3 से 4 दिनों का समय। तो उष्मायन काल रहेगा 3 से 4 दिनों का। अब अपने बात करेंगे लार्वा प्रावस्था की। अंडों में से लार्वा या लट है वो बाहर निकल आई है, अब वो खाना स्टार्ट करेगी पौधे को। तो सबसे पहले जो नवजात लार्वा होता है, इन्फेंट लार्वा जो है, अभी अभी किससे बाहर निकला है? अभी अभी वो अंडे से बाहर निकला है, वो फर्स्ट स्टेज है किसकी? लार्वा की। वो कोमल पत्तियों को खाता है, जो सॉफ्ट लीव्स होती हैं उनको खाना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जब वो थर्ड स्टेज में पहुंचता है, जो मोस्ट डैमेजिंग फेज है लार्वा की, थर्ड स्टेज, तीसरी प्रावस्था में, लार्वा की भी 3 प्रावस्थाएं देखी गई हैं। नवजात है, उसके बाद द्वितीय प्रावस्था आती है, उसके बाद तीसरी प्रावस्था। जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है लार्वा, तब वो फलियों को खाना स्टार्ट करता है, फलियों में घुसता है, और जो अंदर बीज होते हैं, सीड होते हैं, उनको हानि पहुंचाता है। और एक लार्वा, एक पूर्ण विकसित लार्वा, अपने पूरे जीवन काल में, मैं सिर्फ लार्वा की बात कर रहा हूं, वो लगभग 50 फलियों को नुकसान पहुंचा सकता है। लार्वा जब फली को नुकसान पहुंचाता है, तो मुख वाला जो भाग है वो अंदर रहता है, और जो उसका पोस्टीरियर पार्ट है, पिछला भाग, वो फली के बाहर निकला रहता है। तो कह सकते हैं आधा भाग अंदर रहता है फली के, और आधा भाग बाहर निकला रहता है। जो एंटीरियर पार्ट है, मुख वाला भाग है, वो तो अंदर रहता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो कि पिछले वाला भाग है, वो बाहर रहता है। और उसके बाद निर्मोचन चलता है, निर्मोचन या त्वक पतन, जिसको मोल्टिंग बोला गया, ये बात अपने कर चुके हैं, वो चलता है 5 बार। 5 बार निर्मोचन या मोल्टिंग चलती है। उसके बाद वो प्यूपा स्टेज में जाता है। प्यूपा स्टेज या कोष अवस्था जमीन में, भूमि में, मिट्टी में ही बनती है, और वो 8 से 12 सेंटीमीटर गहराई में चलती है। प्यूपा अवस्था मिट्टी में 8 से 12 सेंटीमीटर गहराई में चलती है, और 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक चल सकती है। 8 से 15 दिनों तक का समय हो सकता है कोष अवस्था का। चलिए, अब वीडियो के अंत तक पहुंच गए अपने। अब अपने करेंगे कंट्रोल, नियंत्रण कैसे करें। इतना नुकसान पहुंचा रहा है, तो अपने को इसको कंट्रोल करने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले अपने जो कल्चरल मेथड काम में ले सकते हैं, वो है लाइट ट्रैप का यूज करें। ये अपने पिछले वीडियो में पढ़ा हो, कातरा में भी देखा, उसके बाद अपने जो टिड्डी किया था उसके अंदर भी था ये। तो अपने ये लाइट ट्रैप उन इंसेक्ट के लिए काम में लेते हैं जो नॉक्टर्नल होते हैं, या कह सकते हैं जो रात्रिचर होते हैं। दूसरा, इसमें फेरोमोन ट्रैप भी काम में ले सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप क्या होते हैं? देखिए, फेरोमोन्स क्या होते हैं? एनिमल के अंदर, ह्यूमन के अंदर, सब में क्या है, कुछ विशेष प्रकार की गंध निकलती है, कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, और एक स्पेसिफिक फीचर देते हैं किनको, एक पर्टिकुलर स्पीसीज को। जैसे हर इंसान में अलग अलग गंध आती है, वो गंध क्या है, वो बॉडी स्मेल किसकी है, वो है फेरोमोन। अपने उनको नहीं पहचान पाते, लेकिन जो एनिमल है वो इस फेरोमोन के बेस पर ही, इन फेरोमोन के बेस पर ही अपने सदस्यों की पहचान करते हैं। मार्केट में अवेलेबल है वो केमिकल, आपको मिलेंगे, उनको आपको खिलाना
खेतों में यूज करना है उस फेरोमोन से, वो इंसेक्ट के वो अट्रैक्ट करने के लिए बने हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने वाले फेरोमोन्स आएंगे और वो अट्रैक्ट होकर एक साथ इकट्ठे होंगे, फिर उनको आपने मार सकते हैं। तो ये अपने फेरोमोन ट्रैप काम में ले सकते हैं, लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप। उसके बाद अपने बात करेंगे फसल पाश की, ट्रैप क्रॉप, ऐसे फंदा फसल जिसको बोलते हैं। देखिए जिस तरह से अपने ट्रैप जाल बिछाते हैं किसी चीज को पकड़ने के लिए, वैसे ही अपने कुछ फसलें लगाते हैं मुख्य फसल के साथ में। मुख्य फसल क्या है? अपनी चना है, उसके आसपास या बाउंड्री पर उसके चारों तरफ अपने एक फंदा फसल लगा देंगे, फंदा फसल या ट्रैप क्रॉप। तो वो फंदा फसल क्या काम करेगी? जो इंसेक्ट आ रहे हैं उनको वहीं अट्रैक्ट करके रोक लेगी अपने तक, और मुख्य फसल तक नहीं पहुंचने देगी। यहां पर अपने टमाटर की बात कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर को भी नुकसान पहुंचाती है, स्टार्टिंग में बताया था। तो टमाटर को बचाने के लिए अपने क्या करेंगे, जैसे अपनों 14 कतार अगर अपनों ने लगा रखे टमाटर की, तो उसमें बीच बीच में एक अपने कतार किसके लगा देंगे, गेंदे की। गेंदे की फसल है, वो हर 14 कतार के बीच में एक कतार किसके लगा देंगे, अपने गेंदे की फसल की। तो जो गेंदे की फसल है वो किसको ट्रैप कर लेगी, वो किसको आकर्षित करेगी, वो आकर्षित कर लेगी इंसेक्ट को, और जो अपनी मुख्य फसल है टमाटर है वहां तक उसको नहीं पहुंचने देगी। अब कंट्रोल में अपने पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल या रासायनिक नियंत्रण, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड काम में लिए जा सकते हैं। सबसे पहला है अपने पास मिथाइल पैराथियोन, ये अपने काम में ले सकते हैं 2% कंसंट्रेशन के हिसाब से। दूसरा अपने इसके अलावा अपने काम में लिया जा सकता है वो है मेलाथियोन। तीसरा कौन सा अपने पास, तीसरा है क्विनेलफॉस, 1.5% कंसंट्रेशन सांद्रता के हिसाब से अपने काम में ले सकते हैं, और इसको 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको स्प्रे किया जा सकता है, छिड़का जा सकता है। और अगर भुरकाव करना हो, डस्टिंग करनी हो, जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो आपने क्या काम करेंगे, उसको 15 दिनों के अंतराल में एक बार भुरकाव भी किया जा सकता है, 2 बार, 15 दिनों के अंतराल में 2 बार अपने भुरकाव कर देंगे। जो वीडियो यहीं समेटते हैं, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में किसी नए इंसेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।